बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल आईसीटी एकेडमी बाराबंकी पे। जैसा कि हम यहाँ आपको पढ़ा रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेस और थर्ड ईयर की क्लासेस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस और उसी में हम पढ़ा रहे थे पेपर फर्स्ट। आपका पेपर फर्स्ट में हमने आपको कुछ पढ़ा रखा पहले से ही, और जो आपका एनिमल है वो क्या, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा का हमने बैकग्राउंड बता रखा है और सारी चीजें बता रखी, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बता रखा है, कहाँ पे मिलता है, कैसा होता है, सारी चीजें। तो हमें उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको ले चलते हैं, क्या पढ़ना है हमें आज, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, मॉर्फोलॉजी के बारे में। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो बाहर से आपको दिखाई देती है, ठीक है, यानी कि उसका शेप, साइज, कलर और जो सारी चीजें बाहर से अपीयरेंस होते हैं वो सारी चीजें किस में आती हैं, मॉर्फोलॉजी में आती हैं। तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम आज बात करेंगे वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपको यहाँ बोर्ड पे ट्रिपैनोसोमा में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पे इसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं आज यहाँ पे। तो मॉर्फोलॉजी में क्या है, आइए सबसे पहले आपको हेडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही होगी क्या, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या बताया कि मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हैं, यानी कि बाहर से जो सारी चीजें दिखाई देती हैं वो सारी चीजें हम क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में आपको यहाँ पे हेडिंग दिखाई दे रही है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम आपको देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिसेलर माइक्रोस्कोपिक लीफ लाइक फ्लैट सिंगल फ्लैजलम, मतलब ये एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। जो हमारा ये एनिमल है, ठीक है, वो एनिमल कैसा है, यूनिसेलर। यूनिसेलर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यूनिसेलर का मतलब होता है इसकी जो होल बॉडी है सिर्फ सिंगल सेल की बनी हुई है, ठीक है। सिंगल सेल का मतलब क्या होता है, इसकी जो एक नॉर्मल सेल की अगर हम बात करें कि नॉर्मल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है, माइटोकांड्रिया होता है, ये सारी यानी कि वो सारे ऑर्गेनेल्स जो एक नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं वही सारे यहाँ पे पाए जाते हैं किसकी बॉडी में, ट्रिपैनोसोमा की बॉडी में, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एनिमल हमारा है कौन सा, ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा में क्या है, ये कैसा एनिमल है, ये यूनिसेलर। यूनिसेलर का मतलब समझ में आ रहा होगा कि यूनिसेलर क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि इसकी जो होल बॉडी है सिर्फ सिंगल सेल की बनी हुई और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें पाई जा रही है जिससे कि ये पूरा अपना जीवन अच्छे से जी पा रहा है या फिर जीवित रह पा रहा है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। तो यूनिसेलर हमें समझ में आ गया होगा हमें लगता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं लिखा हुआ माइक्रोस्कोपिक। अगर हम बात करें इसको माइक्रोस्कोपिक क्यों कहते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब यह है कि ऐसा ये एनिमल है जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इसलिए हम इसे माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। क्यों इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, वो इसलिए कि ये इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि हमारी नॉर्मल आइज से ये हमें नहीं दिखाई देता है, यानी कि अगर हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देता है तो इसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप यूज करते हैं इसलिए इस एनिमल को हम क्या कह सकते हैं, दिस एनिमल इज माइक्रोस्कोपिक। ये एनिमल कैसा है, माइक्रोस्कोपिक। क्यों पता चल गया, ठीक है, पता हमें ये चल रहा है कि ये जो एनिमल है इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल। यूनिसेलर समझ में आ गया, माइक्रोस्कोपिक समझ में आ गया। आइए लिखा हुआ है लीफ लाइक फ्लैट। लीफ लाइक फ्लैट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी है, एज अ सिमिलर लीफ, सो इट इज कॉल्ड लीफ लाइक एनिमल। मतलब ये इसकी जो बॉडी है जैसे आपको लीफ दिखती है किसी भी प्लांट की पतली सी, उसी तरह यह भी दिखाई देता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, लीफ लाइक एनिमल, ठीक। लीफ लाइक फ्लैट सिंगल फ्लैजलम, फ्लैट मतलब लीफ चिपकी हुई होती है, तो इसकी भी बॉडी कुछ ऐसे ही फ्लैट होती है एज अ लीफ, सो इट इज कॉल्ड लीफ लाइक एनिमल, ठीक, फ्लैट। आगे लिखा हुआ सिंगल फ्लैजलम। सिंगल फ्लैजलम का मतलब ये होता है इसकी जो होल बॉडी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक सिंगल फ्लैजलम यहाँ से एराइजेज है, ठीक है, देखिए यहाँ पीछे तक आया हुआ है, एक सिंगल फ्लैजलम है यहाँ पे, कहां से निकल रहा है ये, बेसल ग्रेन्यूल से, ठीक। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे सारी चीजें। तो यहां पे क्या है, सिंगल फ्लैजलम, यानी कि इसकी बॉडी में क्या है, एक सिंगल फ्लैजला पाया जाता है, ठीक, इसलिए ये कैसा है, सिंगल फ्लैजलम एनिमल है, ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ पे इतना सारा, हमें लगता है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें और थोड़ी सी, अगला पॉइंट हमारा क्या है, इसका लिखा हुआ पोस्टीरियर एंड ब्लंट, ठीक है, एंड एंटीरियर एंड इज पॉइंटेड।
ये आपका पूरा पॉइंट है। तो इसका मतलब हम समझेंगे यहाँ पे, तो इसका पोस्टीरियर एंड है वो कैसा है, ब्लंट। ये देखिए इसका जो ब्लंट कंडीशन ऐसी बनती है, ना कि पॉइंटेड होता है। यहाँ पे देख लेंगे आप लोग सभी लोग कि जो इसकी ब्लंट कंडीशन है ऐसी होगी और पॉइंटेड कंडीशन ऐसी होती है। ठीक, तो यहाँ पे इस जो एनिमल हमारा है ट्रिपैनोसोमा, इसका जो पोस्टीरियर एंड कैसा है, ब्लंट है। ठीक, ये कैसा है, ब्लंट है। तो ये हमें लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका जो इसका पोस्टीरियर एंड है कैसा है, ब्लंट है। और अगर एंटीरियर एंड की बात करें, यहाँ पे एंटीरियर कैसा है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैसा, पॉइंटेड। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर एंड है थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, थोड़ा सा इसको और हम सही कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा पॉइंटेड आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो एंटीरियर एंड है वो क्या है, पॉइंटेड है, और इसका पोस्टीरियर एंड कैसा है, ब्लंट है। ठीक है, तो एंटीरियर एंड से क्या निकल रहा है, आपका फ्लैजलम निकल रहा है। फ्लैजलम कहां से निकल रहा है, बेसल ग्रेन्यूल से। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये जो है, ये पॉइंट हमारा जो था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जो ब्लंट एंड क्या होता है और पॉइंटेड एंड क्या होता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कौन सा एंड, ब्लंट एंड हो गया, और ये आगे वाला कैसा हो जाएगा, पॉइंटेड। यानी कि ये पोस्टीरियर एंड है और एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब अगर हम कहें ये एनिमल है, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इसको सीधा करेंगे तो इसका ऊपर वाला हिस्सा यानी कि एंटीरियर एंड और निचला वाला हिस्सा पोस्टीरियर, यानी कि एनिमल की बॉडी के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका हेड रीजन कह सकते हैं, तो कैसा हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा, और पोस्टीरियर रीजन कैसा हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सेकेंड हेडिंग आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, पेल्किल। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेल्किल की अगर हम बात करें, तो आइए हम फिगर में ही देखते हैं पेल्किल कहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। पेल्किल देखिए ये आपको दिखाई दे रही, ये जो आपकी है यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, ये आपकी क्या है, ये आपकी होल जो है बॉडी के चारों तरफ कवरिंग जो है, ये क्या क्या कहलाती है, आपकी पेल्किल कहलाती है। ठीक है, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेल्किल कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक ये कैसा है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये क्या करता है, एनिमल को शेप देता है, शेप देने के साथ साथ में और इसका एक काम होता है प्रोटेक्शन। तो जो पेल्किल है कैसी है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, यानी कि बाहर से किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म इसकी बॉडी में डायरेक्टली एंट्री ना कर पाए, उसको रोक दे, यानी कि प्रोटेक्ट कर रही है, उसकी सुरक्षा कर रही है, तो कैसी हो जाएगी, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाएगी। और दूसरा वर्क क्या है पेल्किल का, इसको शेप प्रोवाइड कराना। ठीक, शेप प्रोवाइड कराता, तो पेल्किल का वर्क हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पेल्किल को हम देख लेंगे यहाँ पे कैसी होती है, इसका नेचर देखेंगे कैसा होता है। पेल्किल होती है हमारी इलास्टिक, इलास्टिक मतलब लचीलापन होता है इसमें, यानी कि देखिए यहाँ पे झुकी हुई है, यहाँ उठी हुई है, यहाँ पे झुकी, यानी कि लचीलापन इसके अंदर है। तभी तो अगर स्ट्रेट, अगर हम कहें हार्ड होती, तो ये हमारा मार्कर हार्ड है, तो क्या मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा, यानी कि ये इलास्टिसिटी इसकी पेल्किल में पाई जाती है। ठीक, समझ में आ रही बात की नहीं। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी, कैसी होगी, इलास्टिक होती है, और कैसा होता, हमने बताया आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कैसी कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव, यानी कि सबसे बाहर की जो कवरिंग है एनिमल की, क्या है आपकी, पेल्किल है। तो पेल्किल हमें लगता है आपको सभी को समझ में आ गया होगा, आ रहा समझ में अच्छे से। आइए हम आगे चलते हैं, अगर हम बात करें फ्लैजलम की। ठीक है, अभी अभी हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल फ्लैजलम पाया जाता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, फ्लैजलम की। अगर हम फ्लैजलम की बात करें, तो फ्लैजलम यहाँ आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या, सिंगल। सिंगल अभी हमने आपको बताया था कि इसका जो फ्लैजलम देखेंगे यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये आपका सिंगल फ्लैजलम है, देख लेंगे यहाँ पे, ये आपका है जो पीछे आ रहा है, ये यहां तक। ठीक, ये इसका क्या हो गया, एक सिंगल फ्लैजलम पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे फ्लैजलम कैसा होता है, सिंगल होता है। ठीक है, तो फ्लैजलम हमारा कैसा है, सिंगल है, यानी कि एक ही फ्लैजला पाया जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात। ठीक, आगे देखेंगे, ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल। ठीक है, मतलब क्या, ये जो फ्लैजला हमारा है, हमारा मतलब ये ट्रिपैनोसोमा की हम बात कर रहे हैं, कहां से एराइज हो रहा है, यानी कि कहां से निकल रहा है। ठीक है, तो निकलने की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसल ग्रेन्यूल। ठीक, तो इसका जो फ्लैजलम है कहां से एराइज हो रहा है, फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल। ठीक, बेसल ग्रेन्यूल से ये क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि वहां से निकल रहा है। तो हमें लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया किसके बारे में, फ्लैजलम के बारे में, सॉरी बारे में। ठीक है, आगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सोज 9+2 अरेंजमेंट। इसको हम आज थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे कि 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है।
यहाँ पे आपको एक फिगर दे रहा हो दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है, तो इसको हम कर लेंगे काउंटिंग। यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है। तो माइक्रोफाइब्रिल्स का एक पूरा बंडल होता है, ठीक है, और बाहर से इसकी एक होती कवरिंग ऐसे, ठीक। अगर हम कहें कि ये हमारा फ्लैजला है, फ्लैजला के अंदर 9 सेट है किसके, माइक्रोफाइब्रिल्स के, समझ पा रहे हो। इसका हम टीएस सेक्शन यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कहें मार्कर को अगर काट दें और बाहर करके ऐसे दिखाएं तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, ठीक। उसके अंदर हम देखेंगे यहां पे कितना जो ये अरेंजमेंट है क्या 9 का है, यहां पे लिखा हुआ देखिए 9+2 अरेंजमेंट किसका, माइक्रोफाइब्रिल्स हमने यहां पे नहीं लिखा, ठीक है। तो ये माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं यहां पे 9+2 का मतलब 9 जो होते हैं पेरिफेरी में पाए जाते हैं और 2 कहां पे पाए जाते हैं सेंटर में। तो इसका जो अरेंजमेंट ये हो जाता है हमारा क्या 9+2 अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका जो फ्लैजला है अगर इसको हम कट करके देखेंगे, मान लेते हैं हमारा ये फ्लैजला है, इसको अगर हम कट करेंगे और इसका सामने का सेक्शन ऐसे देखेंगे तो आपको ये फिगर ऐसे दिखाई देगा, यानी कि इसके अंदर क्या है माइक्रोफाइब्रिल्स है, उनका अरेंजमेंट कैसा है 9 पेरिफेरी में होंगे और 2 सेंटर में होंगे, ठीक। तो इसका जो अरेंजमेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में भी, शायद आपने पढ़ा होगा कि हाँ फर्स्ट ईयर में ये आता है 9+2 अरेंजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तो हो गया, जब से तो ऑब्जेक्टिव में तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, कि जो फ्लैजला का अरेंजमेंट होता है माइक्रोफाइब्रिल्स को कैसा होता है 9+2 होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो इसका जो फ्लैजला ये है कैसा है 9+2 अरेंजमेंट शो करता है, ठीक। क्लियर पॉइंट, क्लियर हो रहा है कि नहीं, आगे देखेंगे। तो जो ये हो गया किसका अरेंजमेंट माइक्रोफाइब्रिल्स का, इसका फिगर भी हमने दिखा दिया। अगर इसका टीएस सेक्शन काटेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फिगर सॉरी ऐसा स्ट्रक्चर आपको बुक्स में देखने को मिलेगा 9+2 देखेंगे। आप लोग अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं जो टीएस सेक्शन होगा इसका फ्लैजलम का, तो वो कैसा होगा 9+2 अरेंजमेंट होगा, ठीक। तो ये हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए आगे हम चलते हैं। तो फ्लैजला की बात कर ली हमने, किसकी बात कर ली, सबसे पहले पेलकिल की बात कर ली, फ्लैजलम की बात कर ली, और हम आगे आते हैं किसकी, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक। देखेंगे यहाँ पे कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, ये देखेंगे यहाँ पे जो हम डॉटेड कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये क्या है आपकी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती क्या है, जो फ्लैजला और पेलकिल के बीच की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है आपकी, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अगर हम कहें ये हमारा फ्लैजला है, यहाँ पे फिगर देख लेंगे थोड़ा सा, अगर हम ये फ्लैजला है, ठीक, और ये है पेलकिल, ठीक, इसके बीच का एरिया ये वाला, देखिए यहाँ पे ये है पेलकिल और ये है फ्लैजला, और यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक, वो क्या कहलाती है आपकी, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, ठीक है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन को हम देखेंगे कि अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन में होता क्या है, कहां से बनती है, कैसे बनती है, तो देखेंगे यहां लिखा हुआ है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन में देखेंगे फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ पेलकिल। ये कैसे बनती है, ऐसा कोई स्पेशल फीचर्स नहीं कह सकते हैं, जो ये पेलकिल है उसी से ये बनती है, ठीक। एक्सटेंशन का मतलब इसके फोल्डिंग कैसे ऊपर नीचे होना ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके फैल जाने या फैलना कह सकते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसके जो फैलने से या फिर पेलकिल का जो ये शेप ऐसा बन रहा है, इसकी वजह से जो ये आपकी मेम्ब्रेन बाहर से देखने को मिलती है वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है किसका, पेलकिल का ही, ठीक, समझ में आ रही बात। ये पार्ट किसका है, पेलकिल का ही है, और ये अटैच्ड कहां से, पेलकिल और फ्लैजलम के बीच में, ठीक। क्लियर हो गया ना, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से, ठीक। आगे देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ पेलकिल हो गया, आगे हम देखते हैं। तो हमारी बात हो गई यहाँ किसकी, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में हमने जान लिया क्या होता है, ठीक है, पेलकिल के बारे में हमने जान लिया क्या होता है, और फ्लैजलम के बारे में भी हमने जान लिया, ठीक। ये हमारा फ्लैजलम है, फ्लैजलम के बारे में भी हमने जान लिया। आगे हम चलते हैं, क्या और आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या है, देखेंगे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, सिंगल होता है, यानी कि इसकी बॉडी में एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएगा सिंगल, कैसा होता है, थोड़ा वो लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा साइज का होता है, बाहर से अगर देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि इसकी बॉडी में साइटोसोल पाया जाता है, ठीक है। तो जहां मोस्टली देखा गया है कि जहां साइटोसोल पाया तो वहां ट्रांसपेरेंसी शो करता है एनिमल वो, ठीक है। तो आपने देखा होगा अगर शायद लाइव अमीबा आपने देखा होगा तो उसकी बॉडी के अंदर साइटोसोल भी आपको दिखाई देता रहता, कभी मान लो चांस मिला हो
कॉलेज में देखने को, ठीक है, नहीं मिला तो फिर भी अगर मान लो हायर एजुकेशन करते हैं, एमएससी वगैरह करते हैं, तो आपको वहां पे प्रैक्टिकल इसका लाइव आपको अमीबा पैरामीशियम लाइव आपको देखने को मिलेगा। और अगर देखने को मिलेगा तो उसकी बॉडी में देखेंगे जो साइटोप्लाज्म होता है ये मूवमेंट करता रहता है और ट्रांसपेरेंसी शो करता है, यानी कि अंदर की चीजें भी वहां पे आपको देखने को मिलती है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक, जान लेंगे क्योंकि ये थोड़ा बाहर से भी दिख जाता है बड़ा सा। ठीक, न्यूक्लियस, तो हम बात कर रहे थे कि इसकी न्यूक्लियस की कैसा होता है, सिंगल होता है, लार्ज होता है, इररेगुलर इन शेप। ठीक, और क्या होता है, इररेगुलर होता है इसका शेप। ठीक है, कोई निश्चित शेप नहीं होता है इसका। ठीक है, क्लियर, तो ये तो हो गया क्या, न्यूक्लियस। आगे हम चलते हैं माइटोकांड्रिया की बात करें। यहां पे माइटोकांड्रिया हमने दिखाया नहीं है, लेकिन यहां पे बहुत सारे माइटोकांड्रिया आप इसकी बॉडी में होते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल है, सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं, यानी कि माइटोकांड्रिया भी पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत होगी तो माइटोकांड्रिया तो होनी है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइटोकांड्रिया कैसी होती है, सिंगल इलांगेटेड होती है, एक माइटोकांड्रिया पाई जाती है, लेकिन वो कैसी होती है, थोड़ा लंबी सी होती है, यानी कि इलांगेटेड माइटोकांड्रिया इसकी बॉडी में पाई जाती है। किसकी बॉडी में, ट्रिपैनोसोमा की बॉडी में। ठीक, ट्रिपैनोसोमा ही तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया क्या, माइटोकांड्रिया के बारे में बात हो गई हमने, बता दी, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे हम चलते क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके बॉडी में ईआर भी पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, ग्रेन्यूल्स के रूप में छोटा माइक्रो होता है, उसको हमने हाईलाइट नहीं किया वहां पे। ठीक है, तो वहां पे और क्या मिलता है, वहां पे मिलेगा क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है, टिब्यूल्स, वेसिकल्स एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां पे आपको देखने को मिलेंगी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। क्या देखने को मिलेगा, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसिकल्स एंड राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स पाए जाएंगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होगा, कैसा होगा, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अगर हम कहें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होगा, स्मूथ, आपने पढ़ रखा होगा पहले। ठीक है, तो यहां पे कैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके बारे में पाया जाता है, रफ। रफ का मतलब क्या पाया जाता है वहां पे, राइबोसोम्स, कहां पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक, इसलिए वो कैसा हो जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो इस वीडियो को दोबारा वॉच करते रहिए और दोबारा देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे, इसी की बॉडी में और भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी की अगर हम बात करें तो गॉल्जी बॉडी कैसी है, गॉल्जी बॉडी में भी क्या पाया जाता है, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वेसिकल एंड लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड। हाँ, ये सारी चीजें जो पाई जाती है गॉल्जी बॉडी, वो कहां पे पाई जाती है, क्या लिखा हुआ है, लोकेटेड एट पोस्टीरियर, पिछले हिस्से में पाई जाती बॉडी के, यानी कि आगे वाले हिस्से में ये सारी चीजें, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, गॉल्जी बॉडी की, तो गॉल्जी बॉडी अगले हिस्से में इसके नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये पिछले हिस्से में पाई जाएंगी गॉल्जी बॉडी, तो हमें लगता है कि गॉल्जी बॉडी के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई कंफ्यूजन हो रही है इस वीडियो में तो एक बार फिर से देखेंगे, वो सारी चीजें जो हमने अभी अभी यहाँ पे समझाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे और हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया गॉल्जी बॉडी की हमने बात कर ली। आइए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे एक चीज और अब देखने को मिलेगा, क्या लिखा हुआ है, बेसल ग्रेन्यूल। ठीक, तो यहाँ फिगर में भी आपको हमने बताया था क्या, बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या लिखा है, ब्लेफेरोप्लास्ट। ठीक, ब्लेफेरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ जिस नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ब्लेफेरोप्लास्ट के नाम से भी या फिर बेसल ग्रेन्यूल के नाम से भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये वही ऑर्गेनिज्म, सॉरी, वही पार्ट है जहां से क्या निकल रहा है, फ्लैजलम निकल रहा है, यानी कि बेसल ग्रेन्यूल से ही क्या निकल रहा है, हमारा फ्लैजलम निकल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल पार्टिकल होता है, छोटा सा पार्टिकल होता है, और यहां से क्या निकलता है, फ्लैजलम ओरिजिनेटेड। ठीक है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, बेसल ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं या फिर ब्लेफेरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। मोस्टली अगर थोड़ा टफ करने की कोशिश करता है कि, तो इस पे साइड नोट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्लेफेरोप्लास्ट पे साइड नोट लिखिए, तो आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको जानना जरूरी है यहाँ पे दोनों नाम। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया क्या, बेसल ग्रेन्यूल या फिर कहें ब्लेफेरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, आगे हम देखते हैं कि जो हमारा ये नेक्स्ट हेडिंग है, काइनेटोप्लास्ट।
ठीक। अगर काइनेटोप्लास्ट की हम बात करें तो आपको फिगर में काइनेटोप्लास्ट भी दिखाई दे रहा है, ये हमारा काइनेटोप्लास्ट है, ये भी बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है कह सकते हो। इस पार्टिकल के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए लिखा हुआ है काइनेटोप्लास्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है पैराबेसल बॉडी है, ठीक। कैसी है, पैराबेसल बॉडी है इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इस फॉर्म कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो ये बॉडी है इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो इसकी ये हमने पढ़ ली क्या, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपने क्या क्या पढ़ लिया मॉर्फोलॉजी में, हमने पढ़ लिया पेल्पिल को, पढ़ लिया फ्लैजलम को, पढ़ लिया और अंडरलाइटिंग मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, माइटोकांड्रिया के बारे में पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया, गॉल्जी बॉडी के बारे में हमने पढ़ लिया, बेसल ग्रेन्यूल्स के बारे में भी पढ़ लिया और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, काइनेटोप्लास्ट। तो जो फिगर में हमारे सारी चीजें दिखाई दे रही उन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करिए नीचे वीडियो के, उसको हम जरूर दूर करेंगे या फिर हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, हम हमारे इस चैनल को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक्स भी करें। थैंक यू।